साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर सोनम की जोया फैक्टर भी रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की पूरी कहानी राइटर अनुजा चौहान की एक फिक्शन पर बनी हुई है। इस फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा ने किया है। द जोया फैक्टर में सोनम कपूर के अलावा दुलकर सलमान, अंगद बेदी और संजय कपूर भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म में सोनम कपूर, जोया, दुलकर सलमान, निखिल खोड़ा और अंगद बेदी रॉबिन नाम के किरदार को निभा रहे हैं। फिल्म की पूरी कहानी जोया नाम की एक हिंदू लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। जोया का परिवार क्रिकेट प्रेमी बताया गया है और 1983 में जन्मी जोया के घर वाले जोया को लकी चार मानते हैं, क्योंकि इसी साल टीम इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। फिल्म की कहानी में पूरी तरह से कॉमेडी, इमोशन और रोमांस का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। परिवार वालों को लगता है कि टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में जोया की पैदाइश का हाथ है। जोया के बड़े होते तक उसका लकी चार्म हमेशा उसके साथ होता है और उसकी डूबती नैया को हर बार पार भी करा देता है। जोया जब बड़ी हो जाती है तो वो एक एड एजेंसी में कॉपी राइटर की पोस्ट पर काम कर रही होती है। इसी बीच उसे इंडिया फोटोशूट के लिए भेजा जाता है और जोया की मुलाकात वहाँ इंडियन टीम के कैप्टन निखिल खोड़ा से होती है और पहली ही नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद टीम इंडिया के साथ जोया का उठना बैठना होने लगता है और एक दिन जोया सभी को ये बताती है कि उसके घर वाले क्रिकेट के लिए उसे लकी चार मानते हैं। टीम के कई खिलाड़ी उसकी बात से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी दिन टीम इंडिया एक अजीबोगरीब तरीके से मैच जीत जाती है और टीम का ये भरोसा पूरी तरह कन्फर्म हो जाता है कि जोया सचमुच क्रिकेट के मामले में लकी है। लेकिन टीम का कैप्टन निखिल इन सब बातों को नहीं मानता है और उसे अपनी मेहनत पर विश्वास रहता है। इसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड जोया को भारतीय क्रिकेट टीम का लकी मस्कट बनने का प्रस्ताव दे देता है, लेकिन जोया इस चीज़ के लिए मना कर देती है। लेकिन फिर बाद में जोया कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अब आपको ये थिएटर जाकर पता पड़ेगा कि वर्ल्ड कप में जोया का लकी चार्म सचमुच में काम आता है या नहीं आता है। फिल्म के फ्लो की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छा है और सभी किरदारों की एक्टिंग भी खुश कर देने वाली है। जोया फैक्टर आने से पहले सोनम कपूर ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना नाम बदल कर जोया सिंह सोलंकी रख दिया था। तभी सभी सोच में पड़ गए थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और अपना नाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्यों बदल दिया है, लेकिन उनका ये एक तरीका था अपनी फिल्म को प्रमोट करने का। तो अब ये फिल्म स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, तो जाइए देखिए जोया फैक्टर और बताइए कि फिल्म आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।